के नाम लेता हूँ हॉलीवुड फिल्मों के, हाँ, अगर वो पंजाबी में बनाई जाए तो उनके टाइटल्स क्या होंगे? मिशन इम्पॉसिबल। ऐ काम नहीं हो सकता। क्या बात है? मिशन इम्पॉसिबल 2। ऐ काम बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या बात है सर? मिशन इम्पॉसिबल 3। अरे बोल दिया काम नहीं हो सकता, बार बार बोलते रहते हो तुम। बच्चे की जान लोगे क्या? वेरी नाइस करण सर। ओके, आयरन मैन। लोहे का बंदा। टाइटैनिक। बेड़ा गर्क। वेरी नाइस ब्रो, नाउ आई एम श्योर यू कैन टेक केयर ऑफ बॉलीवुड, आई विल गो टू हॉलीवुड नाउ। तू भी बता दे ना तू कहाँ जा रहा है, वहां जाकर बॉलीवुड की फिल्म्स के नाम इंग्लिश में क्या होंगे? या व्हाई नॉट, मैं आपसे शुरू करूं? या व्हाई नॉट, ऑलराइट स्ट्रेट लेट्स गो। इंग्लिश में क्या होंगे? सो टेल मी एट द काउंट ऑफ 3, 3, 2, 1, किस किस से प्यार करूं? बूम बूम आई लव। मर्दानी। A lady with mustaches. Bahubali. Bahubali. Strong daughter-in-law. Am I wrong? Shandar. Sorry. Shandar means mind-blowing. No, I'm telling you according to box office. सही है, कुछ खे भी नहीं सकता। दम लगा के हैशा। वेरी सिंपल, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन? या क्यों अमित सर, लगता है इनको कभी हुई नहीं, इनको पता नहीं सबसे ज्यादा दम वही लगता है। दिस इज राइट आस्क सर ब्रो। हवाई ज्यादा। हवाई ज्यादा। फाट मैन। कपिल यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए हैं ऑडियंस में और तुम फाट की बात कर रहे हो। सर फाट काम ही बड़े लोगों का, गरीब आदमी तो भरपेट खाना नसीब नहीं होता। दे कांट अफोर्ड फाट सर। इट्स अ पैसे वालों का काम है। बड़े कामों के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है और वो कर लूं? या प्लीज सर, प्लीज, व्हाई नॉट, नॉनसेंस। और चहेता स्टार देखो कितना मतलब है, दूर खड़ा होकर बोल रहा है, मैं आप सबके पास आता हूँ। Hi, how are you? शर्मा क्यों रहे हैं आप? आपसे कुछ जी सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आइए इधर। ऐसा लग रहा है मैं जेल में मिलने आया हूँ कैदी से, आइए। How are you सर? सबसे पहले तो ये बताइए, आपने आज फिल्म फेयर में अपने किस चहेते स्टार को देखने के लिए टिकट लिया है? कपिल शर्मा। Oh my God! प्लीज फिल्म फेयर से मेरा अनुरोध है कि इनको रिफंड कर दिया जाए, मेरे दोस्त हैं, इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने मेरा नाम लिया है। तो सर कौन सी हीरोइन को देखने के लिए टिकट लिया आपने? दीपिका पादुकोण। यहाँ पे जितने भी बॉलीवुड के फैंस हैं उनके मन में कुछ सवाल हैं। बच्चन साहब, उनके मन में ये सवाल था, उनके मन में, मेरे मन में बिल्कुल नहीं सर। वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं क्या वो भी नॉर्मल लोगों जैसे काम करते हैं? जैसे कभी नहाते नहाते पतला वाला साबुन आपका टूट के गिर जाए और उसके दो टुकड़े हो जाएं और उसको जोड़ के आपने कभी ऐसे लगाया सर? ऐसे वो पूछना चाहते हैं सर। मेरा सवाल नहीं है ये। ऐसे होता है कभी नहाते नहाते गिर जाता ना सर पतला वाला साबुन, फिर आदमी जोड़ के करता है, देख तो रहा नहीं होता कि क्या कर रहे हैं आप अंदर, तो ऐसा होता है सर कभी? सर रोज होता है ये। मैं समझ गया एक्चुअली, क्योंकि आम आदमी का जो साबुन 10 दिन चलता है, बच्चन साहब का 3 दिन चलता है, एरिया बहुत ज्यादा है। जय मैम, हमारे हिंदुस्तान के जो चंद बड़े परिवार हैं आप उस परिवार की मुखिया हैं। जैसे कभी कभी सही सवाल पूछना। नहीं नहीं बिल्कुल सही सवाल, जैसे जैसे मेरी मम्मी ऐसा कभी करती है कि शैंपू की बॉटल में शैंपू खत्म हो गया तो उसको धो के उसमें सरसों का तेल डाल लेती है, कभी ऐसा होता है मैम कभी? हमारे घर में नहीं होता। आपके घर में नहीं होता है सर, आप अपना साबुन का ध्यान रखा करें। मैम बहुत ध्यान रखती हैं इस चीज का। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। आपसे जब भी मुलाकात होती है एक समा बन जाता है सर, मैं जानबूझ के भी आता हूँ सर आपके पास, मेरी फुटेज लगती है ना तो मेरे मोहल्ले वाले खुश हो जाते हैं, मैं मोहल्ले में बड़ी अक्कड़ से जाता हूँ फिर। मैं अभी अपने पड़ोसियों से ज्यादा बात करता नहीं हूँ। मैंने कहा मैं बच्चन साहब से बात करूँ तुम लोग?
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रणाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है आप? मैम अपने फैंस को हाथ हिला दीजिए, वो बोल रहे हैं कब से। हाय, गुड इवनिंग, हाय मुंबई, यू हैविंग अ गुड टाइम? मैम एक बात पूछनी थी, आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं। इशार, कभी ऐसा हुआ है कि शैम्पू खत्म होने वाला हो, आपके बालों को ज्यादा लगता है, ऑब्वियसली बाल काफी घने हैं, तो थोड़ा पानी मिक्स करके हिला के यूज किया हो? हाँ, मेरे साथ तो सालों से ऐसे होता रहा है। शुक्रिया मैम इनसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया आपका। छोड़ दो, अब वक्त ऐसा आ गया, घर वाले बोलते हैं अब्राहम को स्कूल छोड़ दो। बहुत सालों से काम कर रहा हूं यहां पे, 25 साल हो गए, लेकिन फिर भी हर साल नया होता है, हर दिन नया होता है। और आज जो सबसे अहम बात है, जो कभी भी अवार्ड्स के इतिहास में नहीं हुई है, वो ये है कि हमने उनको आमंत्रित किया है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट मीन्स द पब्लिक, द होल जनता। थैंक यू। अगर आप लोग ना हो तो हम भी ना हो, रियली स्पेशली क्योंकि आप लोगों ने 2-2 लाख रुपए दिए। अगर आपने नहीं दिए होते तो फिल्म पर हमको पेमेंट नहीं करते, हम तो यहां पे नहीं आते। बट गुड न्यू थिंग्स हैव बीन हैपनिंग, फिल्म फेयर इज गेटिंग बिगर। अभी अभी मालूम पड़ा है कि अगले साल होस्ट करने के लिए बराक ओबामा को लाया जा रहा है। जी हाँ, मैंने पीछे किसी को बताया तो उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने करण जौहर विलन बन गया, तुमने मान लिया, ये नहीं मानोगे क्या? फिल्में बहुत सारी चली हैं, बदलापुर, बेबी, बजरंगी भाईजान, बाहुबली, बाजीराव मस्तानी, 20 से जो भी फिल्में इस साल आई हैं सबकी सब चलती गई हैं। और हमारी फिल्मों में भेड़ चाल होता है, मुझे लगता है अगले साल की जो आने वाली फिल्म है से अपना टाइटल 20 से बदल लेंगे। जैसे मेरी आने वाली फिल्म है फैन, उसका नाम हो जाएगा बैन। कौन कौन मुझको बैन करेगा? और एक और फिल्म आने वाली है अपनी हाउसफुल 3, उसका नाम हो जाएगा ब्लाउजफुल 3। 20 से सब चलता है एक्सेप्ट बॉम्बे वेलवेट।